woman. Hey! बस रोको, वो कब से बस के पीछे दौड़ रहा है पता है? शुक्रिया, सॉरी देर हो गई। यहाँ नहीं, कहीं और जाके बैठो। तुमसे तो बदबू आती है पार्कर। रखिए, बंद करो ये खेल। याद रखिए, यहाँ आना बहुत ही खुशकिस्मती की बात है। हमें यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग ने बुलाया है, इसलिए तमीज से पेश आइएगा। और जो प्लेनेटोरियम में हुआ वो यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए सब लोग एक साथ रहे, चलिए चलिए सब बिल्डिंग के अंदर चलिए चलिए। तुम दोनों ना। ड्राइवर, गाड़ी जरा एक कोने में खड़ी करना प्लीज। क्यों? अंदर जाने का रास्ता तो सामने है। डैडी, ये छोटे मोटे स्कूल के बच्चे हैं, उन पर अपनी रॉल्स रॉयस गाड़ी का रौब नहीं झाड़ना चाहता। तो मैं इस आलीशान गाड़ी के बजाय खटारा गाड़ी ले लूं सिर्फ इसलिए कि तुम हर प्राइवेट स्कूल में फेल होने के बाद अब इस पब्लिक स्कूल में? मेरी कोई गलती नहीं थी। तो और किसकी थी? तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। बात यह की हैरी, बात क्या है? जाने दीजिए। पीटर। हाय हैरी, कैसे हो तुम? ठीक हो? अरे तुम ये लेना भूल गए थे। शुक्रिया डैडी। पीटर, ये है मेरे पापा नॉर्मन ऑस्बोर्न। तुम्हारे बारे में काफी सुना है। खुशी हुई आपसे मिलके सर। हैरी ने बताया तुम विज्ञान में काफी माहिर हो। जानते हो, मैं भी अपने आप में एक छोटा मोटा वैज्ञानिक हूँ। जी हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने आपकी खोज के बारे में पढ़ा है। और तुम वो समझ गए? हाँ बिल्कुल, मैंने उस बारे में लिखा भी है। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज़। मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ, उन्हें मुझ पर नाज़ है। खुशी हुई आपसे मिलकर। फिर मुलाकात होगी जरूर। वो इतने बुरे भी नहीं है। हाँ तुम पढ़ाकू जो। वाह, कमाल का है। ये इस इलाके का सबसे आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जानते हो? यकीन नहीं होता। वाह। अरैकिनिड्स जाति की मकड़ियों में तरह तरह की शक्तियाँ होती हैं, जो उन्हें हर दम खाना ढूंढने में मदद करती हैं। मिसाल के लिए ये डेलिना मकड़ी, जाति स्पेरोसाइडे, इसमें कूद कर अपने शिकार को पकड़ने की शक्ति है। मैं तस्वीर ले लूं? उसके बाद है ये जाल बुनने वाली मकड़ी, प्रकार फेलिस्टेडिडे, जाति कुकुक केनिया। ये मकड़ी बहुत ही घना और उलझा हुआ जाल बुनती है, और इनके रेशे इतने मजबूत होते हैं कि इनकी तुलना पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाली मजबूत वायर से की जाती है। मत तंग करो से, वरना क्या करोगे? वरना ये अपने डैडी से जाकर कहेगा। तेरे डैडी क्या करेगा? हाँ मुझे मारेगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ अब किसी की आवाज आई तो उसे फेल कर दिया जाएगा, समझ गए तुम लोग? ये है ग्रास स्पाइडर। चलो यहाँ से। ये अपने दिमागी सूझबूझ का इस्तेमाल करके शिकार करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी दिमागी नसें इतनी तेज हैं कि इसे आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है। जरा उस मकड़ी को देखो। क्या तुम्हें पता है, कुछ मकड़ियाँ माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती है सिर्फ अपने बचाव के लिए। पीटर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं? 5 साल के कड़े परिश्रम के बाद कोलंबिया की उत्पत्ति खोज केंद्र। तुम जाकर उससे बात करो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, तुम उससे बात करो। ठीक है, हमने वो काम कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता है। हाँ कितने घिनौने हैं ये। नहीं फिर भी मुझे देखना अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी। तुम्हें पता है ये जो मकड़ियाँ हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। अच्छा। हाँ जाहिर है अपने बचाव के लिए। इस प्रयोगशाला में हमने ट्रांसफर आरएनए के जरिए बिल्कुल नई मकड़ियों की जातियाँ बनाई। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियाँ बनाई है। यहाँ तो सिर्फ 14 है। क्या कहा तुमने? एक गायब है। अरे हाँ शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अच्छा? वो समझा रही थी हैरी और तुम लगातार बातें किए जा रहे थे। चलो मैं तुम्हें सुनने का हुनर सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग चलो,
चलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूँ हमारे स्कूल मैगजीन के लिए? जरूर, क्यों नहीं, कहाँ खड़ी रहूँ मैं? यहाँ ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे। ठीक लग रही हो? बिल्कुल। बहुत अच्छे। हाँ सुनो, शुक्रिया। मशीन के खिसकने की और संतुलन की परेशानी दूर कर दी है। देखो, मैं वो ग्लाइडर पहले देख चुका हूँ, मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। जनरल स्लॉकम, मिस्टर बालकन, मिस्टर फार्गस, आप लोगों को दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो मिस्टर नॉर्मन? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यहाँ आने से हम लोगों को बेहद खुशी होती है। इंसानी क्षमता बढ़ाने वाले प्रयोग से क्या तरक्की हुई है? हमने भाप का इस्तेमाल करके चूहों पर प्रयोग किया जिससे वो 800% ज्यादा शक्तिशाली हो गए। बहुत अच्छे। कोई बुरा सर? हाँ, एक बार आप उसे भूल जाएं, उसके बाद हमारे सारे टेस्ट कामयाब रहे। वो एक बार क्या गड़बड़ हुई थी, कोई बुरा असर हुआ? उत्पाद, पागलपन और उत्तेजना। तुम्हारी क्या राय है? सिर्फ एक टेस्ट में वैसा हुआ। देखिए जनरल, डॉक्टर स्ट्रॉम के अलावा हमारा पूरा स्टाफ इस दवाई को इंसानी प्रयोग के लिए बिल्कुल सही मानता है। डॉक्टर स्ट्रॉम, ये फॉर्मूला बेकार है, दोबारा जांच करनी होगी। तुम चाहते क्यों नहीं यहां से? डॉक्टर नॉर्मन, एक बात आप साफ जान लीजिए, मैं पहले से इस प्रयोग के हक में नहीं था। पिछले अफसरों ने यह प्रयोग शुरू करवाया, इसीलिए ये जारी। नॉर्मन, जनरल ने क्वेस्ट एयरोस्पेस को एक्सोस्केलेटन डिजाइन की नई आधुनिक मशीन बनाने की इजाजत दे दी है। 2 हफ्ते बाद उसकी जांच होगी, और अगर तब तक तुम्हारा ये इंसानी क्षमता बढ़ाने वाला प्रयोग इंसानों के ऊपर कामयाब नहीं हुआ नॉर्मन, तो मैं तुम्हारा फंड रोक दूंगा। बात समझ में आई? साहिबान, चलिए। ऊपर वाले ने कहा मेरी रोशनी फैलने दो और ये लो। आ गई रोशनी 40 वाट के इस दूधिया बल्ब में। ये सुनकर ऊपर वाला खुश हो जाएगा। बस कहीं गिर विर मत जाना। मैं तो पहले ही गिर चुका हूँ। मैं जब एक ईमानदार इलेक्ट्रीशियन को 35 साल की नौकरी के बाद अचानक निकाल दिया जाए तो गिरने में और बाकी क्या रह जाता है। जरा वो हरी वाली प्लेट पकड़ाना। बड़ी कंपनी वाले कर्मचारी कम कर रहे हैं और अपने मुनाफे बढ़ा रहे हैं। ओ बेन, तुम्हें कहीं और नौकरी मिल जाएगी। हाँ चलो देखते हैं आज के अखबार में। नौकरी के इश्तेहार तो है, देखूं क्या है। कंप्यूटर, कंप्यूटर सेल्समैन, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर विश्लेषक। कंप्यूटर को भी विश्लेषक की जरूरत पड़ती है। मैं 68 साल का हूँ, अब मैं कंप्यूटर तो सीख नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने परिवार को पालना तो है। मैं तुम्हें चाहती हूँ और पीटर भी तुम्हें चाहता है। तुम दुनिया के सबसे अच्छे और जिम्मेदार इंसान हो। जिंदगी में पहले भी उतार चढ़ाव आए, पर हमने उनका सामना किया है ना। ओ पीटर, तुम आ गए। बिल्कुल सही खाने के वक्त पर आए। हाँ मेरे बच्चे, कैसा रहा आज का काम? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे कुछ खाओगे नहीं? नहीं, मैं खा कर आया हूँ। अच्छा, तुमने वहाँ कुछ तस्वीरें ली पीटर? हाँ ले ली है, सब ठीक है। क्या हो गया इसे? Thank you.
इस प्रयोगशाला में हमने सिंथेसाइज ट्रांसफर आरएनए के जरिए मकड़ी की बिल्कुल नई जातियां बनाई हैं। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी की। हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियां बनाई हैं। डॉक्टर ऑस्मन प्लीज, क्षमता बढ़ाने वाली दवाई तैयार नहीं है। हमें इस दवाई के साथ कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ, हम ये नहीं कर सकते। कायर मत बनो, जोखिम उठाए बगैर प्रयोग पूरे नहीं होते। अच्छा तो फिर आप मुझे बड़े डॉक्टर बुलाने दीजिए, सही बंदोबस्त करने दीजिए। ये काम मैं 2 हफ्तों में कर दूंगा। 2 हफ्ते? 2 हफ्तों में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्वेस्ट कंपनी के पास चला जाएगा और ऑस्कॉर्प कंपनी खत्म हो जाएगी। कभी कभी हमें खुद सब कुछ करना पड़ता है। मुझे प्रोमा क्लोरापेराजीन दो। मगर किस लिए? भाप के खून में दाखिल होते ही इसका असर शुरू हो जाता है। अफसोस कि 40,000 साल गुजरने के बाद भी हम मनुष्य की सही क्षमता को नहीं पहचान पाए। फॉर्मूला अजीब है। पीटर। हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आज सुबह कैसा लग रहा है, कुछ फर्क पड़ा? फर्क? हाँ काफी फर्क पड़ा है। चलो जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ आप देखते हैं। अरे ये क्या तरीका है बेटा? ठीक तो हो ना? अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शरारती, चलता हूँ। नाश्ता नहीं किया, खाने के पैसे तो है ना? पैसे है मेरे पास। महान पेंटर भूलना नहीं, आज स्कूल के बाद हमें रसोई की पेंटिंग करनी है। हाँ जरूर अंकल,
लेकिन मेरे बगैर शुरू मत कीजिएगा। इंतजार करूंगा। उम्र ही ऐसी है, इस उम्र में ना भूख लगती है ना प्यास। तुम्हारी माँ चाहे मर्जी कहे, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तुम वाहियात हो और हमेशा वाहियात रहोगी। स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। जाओ ना। हाय एमजे, कैसी हो एमजे? तुम तो जानती हो ना कि जब तुम 6 साल की थी तब से हम पड़ोसी रहे हैं। तुम्हें दुखी देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ। चलो कहीं बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, मौज मस्ती करते हैं। हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर तुम चाहो तो। डैडी, डैडी आप ठीक तो है ना? अरे आप जमीन पर क्यों सोए हुए थे? मैं नहीं जानता। आप रात भर यहां सोए रहे? कल रात में क्या हो? मुझे याद नहीं बेटा। मिस्टर नॉर्मन। सर, मैंने इन्हें बाहर रुकने के लिए कहा था। सॉरी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है मिसेस सिंपकिंस। मिस्टर नॉर्मन, डॉक्टर स्टॉर्म नहीं रहे। क्या? आज सुबह प्रयोगशाला में उनकी लाश मिली। उनका कत्ल हुआ है सर। ये क्या कह रही हो सिंपकिंस? हमारी उड़ान पोशाक और ग्लाइडर। बताओ क्या हुआ? वो चोरी हो गए सर। वाओ, क्या बात है। थैंक्स। मामूली बात थी। तो तुम्हारी आंखें नीली हैं। चश्मे में कभी पता नहीं चला। कॉन्टैक्ट लेंसेस लिए हैं? अच्छा, चलती हूँ। अब बिछो जाल, बिछो 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 जाल, बिछ जा जा, उड़ जा, बिछो जाल। होगा
वो अभी तक खाना लेकर नहीं आई ना? क्या तुमने सुना नहीं? जाओ मेरा खाना लेकर आओ। अगर तुम्हें खाना खाने का इतना ही शौक है, जाओ जाकर। तुम दोनों चिल्लाना बंद करो। अरे चली आई, तुम चुप करो। मैं पैसे देकर आया था, फिर भी खाना लेकर नहीं आई। बहुत हो चुका है। पड़ोसी क्या सोचेंगे? चिल्लाओ मत। चुप करो। तुम भी अपनी बात करते हो। मैं सबसे बेवकूफ। मैं बेवकूफ हूँ? कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? तुम सब सुन रहे थे? नहीं, दरअसल मैं यहाँ वो कचरा फेंकने आया था। अक्सर हमारे चिल्लाने की आवाज़ सुनते होगे ना? अब झगड़े तो हर घर में होते हैं। तुम्हारे आंटी और अंकल तो नहीं झगड़ते? नहीं, वो दोनों भी कभी कभी खूब चिल्लाते हैं। देखो मैरी जेन, आज स्कूल में फ्लैश के साथ जो भी हुआ, मैं तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मुझसे गलती हो गई, वो ठीक तो है ना? वो खुश है कि स्कूल के फंक्शन से पहले तुमने उसका नक्शा नहीं बिगाड़ा। तो स्कूल के बाद तुम कहाँ जाने वाले हो? वो दरअसल मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहीं रहकर मैं कहीं नौकरी कर लूंगा फोटोग्राफर की, और कॉलेज भी जाऊंगा। तुम क्या करोगी? मैं भी शहर जाऊंगी ताकि सबसे दूर रह सकूं। जानते हो मैं क्या? रुक क्यों गई, बताओ ना। असल में मैं अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। वाकई? बिल्कुल सही फैसला किया। तुम तो स्कूल के ड्रामा में हमेशा कमाल की एक्टिंग करती थी। सच? हाँ, पता है मैं बहुत रोया था जब तुम सिंड्रेला बनी थी स्कूल में। पीटर, तब तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे। तो इसमें क्या है? कभी कभी हमें पता चल जाता है ना कि हमारे अपनों के साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मुझे नहीं मालूम, पर जो भी है, मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और मेरे साथ क्या होगा? तुम्हारे साथ? तुम एक बहुत बड़ी कलाकार बनोगी। तुम जो दिखते हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। मुझ में झिझक है, मिटा दो। ए मैरी जेन, चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी नई गाड़ी में घुमा कर लाता हूँ, जल्दी आओ। मुझे जाना होगा। बाय। अरे बाप रे, कितनी खूबसूरत गाड़ी है। है ना? यकीन नहीं होता। आओ बैठो। कमाल की गाड़ी है। सो तो है, इसका म्यूजिक सिस्टम सुनोगी तो दीवानी हो जाओगी। ए जरा संभल कर बैठना, खराब ना हो जाए। अच्छी गाड़ी है। Thank you.
अंदर क्या कर रहे हो? कसरत कर रहा हूँ मैं, मैंने कपड़े नहीं पहने आंटी। पीटर, आजकल तुम अजीब ढंग से पेश आ रहे हो। हो गया, अब जाइए। क्या ये नॉर्मन ऑसबॉर्न का अंत है? जरूर वो परेशान है, शायद मुझसे बात करने में शर्मा रहा है। तुम्हें लगता है मैं उससे पूछने में शर्मा रहा हूँ? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ चले? आंटी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। रुको 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 पीटर, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। नहीं मैं ट्रेन से जाऊंगा। नहीं नहीं, इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम लूंगा, चलो। शाम को मैं जरा रुको पीटर, तुमसे जरूरी बात करनी है। बाद में कर लेंगे। हम अभी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ऐसी क्या बात है जो अभी करना जरूरी है? क्योंकि हमने एक अरसे से बात नहीं की बेटा, तुम्हारी आंटी और मैं तुम्हारे इस नए रूप से परेशान हैं। तुम काम ठीक से नहीं करते, अपने कमरे में अजीब प्रयोग करते रहते हो, स्कूल में झगड़े करते हो और न जाने तुम। मैंने आपसे कहा कि वो झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया था। पर तुमने वो खत्म जरूर किया था। तो और क्या करता, वहां से भाग जाता। देखो तुम्हें भागना नहीं चाहिए, पर पीटर तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में मुझ में भी ये बदलाव आए थे। नहीं ऐसे बदलाव नहीं होंगे पीटर, ये वो उम्र है जब इंसान अपनी शख्सियत बनाता है और फिर जिंदगी भर उस पर कायम रहता है। सोच समझ कर ही कोई राह चुनना। ये लड़का फ्लैश थॉमसन, शायद उसे सबक सिखाना जरूरी था, पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसे मारने का हक नहीं है। याद रखो बेटा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। क्या आपको डर है कि मैं कोई मुजरिम वगैरह बन जाऊंगा? आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, कुछ बदलाव आए हैं पर मैं खुद समझ लूंगा। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए प्लीज। तुम्हें लेक्चर देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। तो फिर बनने की कोशिश भी मत कीजिए। ठीक कहा, मैं 10 बजे तुम्हें यहां लेने आऊंगा। मुकाबला तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट। नहीं नहीं, मेरा नाम लिखिए। ठीक है, इस मुकाबले में अगर तुम जख्मी हो जाओ या तुम्हारी कोई हड्डी वड्डी टूट जाए तो उसके लिए हमारी संस्था बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। तुम अपनी मर्जी से इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो। हाँ। जाकर कपड़े बदल लो, ऊपर वाला इस पर रहम करे। नेक्स्ट। दम है।
अगर वो किसी तरह 3 मिनट तक इस पिंजरे में हमारे बोन सो के साथ टिका रहा तो 30,000 रुपए नकद मिलेंगे उस पहलवान को। तुम्हारा नाम क्या है? इंसानी मकड़ी। क्या इंसानी मकड़ी? तुम्हें सिर्फ यही एक नाम सूझा? हाँ। ओ, ये वाहियात है। और अब 30,000 का नकद इनाम जीतने आ रहे हैं हमारे खूंखार और जाबाज पहलवान स्पाइडरमैन। मेरा नाम इंसानी मकड़ी है। ए ज़्यादा बकवास, उसने मेरा नाम गलत पुकारा, उसे कहो चलो जाओ। सूरत नहीं पहचान सकोगे बच्चे, समझे? भाग जाओ यहाँ से। चले जाओ। पहरेदारों, पिंजरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। अरे सुनो, इन्हें गलतफहमी हुई है, मैंने पिंजरे वाले मैच के लिए नाम नहीं लिखवाया। ए, दरवाजा खोलो, ये जंजीरें निकालो। ए, मरियल चूहे, तुम कहीं नहीं जाओगे। 3 मिनट के लिए तुम मेरे हो, जिसमें मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। तू वहाँ ऊपर कहाँ चला गया? तुमसे दूर रह रहा हूँ। बड़े खूबसूरत कपड़े चोर बाजार से खरीदे। अब निकलो यहां से। ये तो 100 है, पेपर में तो 30,000 लिखा था। जाओ जाकर दोबारा पढ़ो लल्लू, उसमें लिखा था 30,000 3 मिनट के लिए, और तुमने उसे 2 में ही ढेर कर दिया। उसके लिए ये 100 दिए हैं, शुक्र मनाओ और दफा हो जाओ। उन पैसों की जरूरत है मुझे। मुझे तुम्हारी जरूरत से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पैसा बैग में डाल दे, जल्दी कर। ए, वो आदमी चोर है। रोको उस आदमी को, रोको उसको, वो मेरा पैसा ले गया। शुक्रिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम उसे बड़ी आसानी से रोक सकते थे, तुमने उसे जाने दिया और मेरे पैसे चले गए। तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है मुझे। Thank you.
मैंने कहा आपसे रघु मेरा अंकल है। ये कैसे हुआ? कोई ने गोली मारकर गाड़ी ले गया है। हमने एम्बुलेंस बुलाई है, वो आती होगी। आप लोग पीछे हटिए। कहाँ ना अंकल बेन? अंकल बेन, अंकल बेन, बेटा मैं आ गया। अंकल बेन, बेटा साथी का पता चल गया है, वो वॉल स्ट्रीट की ओर जा रहा है। तीन पुलिस गाड़ियां उसका पीछा कर रही हैं। आप पीछे हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप पीछे हटिए। मेरे अंकल को मौका दिया तुमने, तुमने उन्हें बेमत मार दिया। क्यों मारा? रोको उसे! शुक्रिया। तू तो गया।
आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आइए। हमारी एक्सोस्केलेटन मशीन बहुत शक्तिशाली है जनरल स्लोकम। जैसा आपने बताया, अगर वो मशीन वाकई वो सब करती है तो मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। आपको पूरा यकीन है कि ये टेस्ट सही होगा? बिल्कुल, कैप्टन कर्टिस हमारे बहुत अच्छे पायलट हैं। ऑस्कॉप कंपनी से आपने जो वादा किया था उसका क्या होगा? नॉर्मन ऑस्बॉर्न की कंपनी को खत्म करने में मुझे बेहद खुशी होगी। मार्क, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। एक अनजान चीज तेजी से करीब आ रही है। क्या चीज है? तुम्हें दिखाई दे रहा है मार्क? ओ मर गए। जरा मुस्कुराइए। ओह पीटर, मुझे तुम पर नाज है। इन कपड़ों में तुम कितने अच्छे लग रहे हो पीटर। एक खुशखबरी है, मेरे पापा ने न्यूयॉर्क में घर लिया, इसलिए हम छुट्टियों में वहाँ जाएंगे। ओह बहुत मजा आएगा। तो तुम पास हो गए। तुमने मुझे एक बार फिर गलत साबित किया। मुबारक हो। शुक्रिया डैडी। पीटर, तुम्हें विज्ञान पुरस्कार मिला, कमाल हो गया। जी हाँ। जानता हूं तुम किन हालात से गुजर रहे हो, फिर भी आज का दिन खुश रहने की कोशिश करो। जानते हो पीटर, एक दौर खत्म होता है तो दूसरा शुरू होता है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती। ठीक है, ये लो अपनी अंगूठी। आज से सब खत्म। तुम हैरी के भाई जैसे हो, हमारे परिवार का हिस्सा। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। पीटर, तुम कुछ खाओगे बेटा? नहीं, कुछ नहीं। मुझे आज उनकी बात याद आई। जानती हूं, मुझे भी याद आई उनकी, पर वो हमेशा हमारे साथ है। रह रहकर मुझे वो बात याद आती है जो मैंने उनसे आखिरी बार कही थी। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे और आंटी, मैंने उनकी एक नहीं सुनी। वो जानते थे कि तुम उन्हें चाहते हो और वो तुम्हें चाहते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और आगे चलकर महान काम करोगे। तुम उन्हें निराश नहीं कर सकते। आदमी नहीं है, मेरे भाई ने उसे फ्लोरा फाउंटेन पर घोंसला बनाते हुए देखा था। मुझे लगता है वो इंसान है। वो कोई आदमी है या फिर औरत?
रस्सी निकलती है और फिर वो रस्सी पर मकड़ी जैसे चढ़ जाता है। ये जाल उसकी पहचान है। ये देखते ही मैं समझ गई थी कि स्पाइडरमैन यहाँ आया। वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारा रखवाला है। मुझे लगता है वो कोई बेवकूफ सरफिरा इंसान है। उससे बदबू आती है और मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। 8 हाथों वाला आदमी। अरे वाह, वो टाइट कपड़े पहनता है और वो कपड़े हैं स्पाइडर जैसे, लगता वो मकड़ी, फिर भी हम उसको लगाएंगे गले, बचना वो आया स्पाइडरमैन। कौन है ये स्पाइडरमैन? अरे जनता का दुश्मन, यही है असलियत। वो एक खतरनाक पागल मुजरिम है और उसकी खबर मेरे पहले पन्ने पर क्यों है? मिस्टर जेमिसन, आपकी बीवी का फोन है, वो जानना चाहती है कि मिस्टर जेमिसन छठे पन्ने पर मुसीबत। यहाँ पहला पन्ना मुसीबत में, चुप रहो। जी तो वो अहम खबर है सर, वो क्लाइंट इंतजार नहीं कर सकता। उन्हें करना होगा। उसने सबवे के अंदर 6 लोगों की जान बचाई। सब इसी का किया धरा होगा। जहाँ गड़बड़ देखी ये वहाँ रेंगते हुए पहुँच गए। देखो उसे कैसे भाग रहा है, क्या पता चलता है इससे? वो भाग नहीं रहा, वो किसी और को बचाने जा रहा है। वो एक हीरो है। फिर वो नकाब क्यों पहनता है? अपनी असलियत क्यों नहीं दिखाता? वो जानना चाहती है कि डाइनिंग रूम में कॉटन के पर्दे हो या रेशम के, उनमें से जो भी सस्ता हो। मिस्टर जेमिसन, बात ये है कि हमने 6 पन्ने की डबल बुकिंग ले ली है। अब मेसी और कॉन्वॉय कंपनियों के पास वो पन्ना है। आज 4 बार अखबार प्रिंट हुआ है और सब बिक गए। सब बिक गए, सबके सब बिक चुके हैं। कल सुबह स्पाइडरमैन की पहले पन्ने पर अच्छी तस्वीर होनी चाहिए और कॉन्वे को 7 नंबर पन्ना दे दो, तो 8वां कर दो और उन्हें 10% डिस्काउंट दे दो। नहीं, 5 ठीक है। ये नहीं होता। पहुंच जाओ। हमारे पास उसकी कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। एडी कई हफ्तों से लगा है पर उसकी मुश्किल से एक झलक दिखाई पड़ती है। ओह, वो शर्मीला है? जी नहीं। हमें गंजे हीरों की तस्वीरें मिल सकती है तो इस सरफिरे की क्यों नहीं? पहले पन्ने पर विज्ञापन डाल दो, जो हमें स्पाइडरमैन की तस्वीर लाएगा नगद इनाम पाएगा। उसे मशहूर नहीं होना, उसे बदनाम कर सकते हैं हम। Hey! दफा हो जाओ। Mary, मैं हूँ पीटर। Hi! कैसी हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ नौकरी की तलाश में आया था। और तुम? मैं एक्टिंग क्लास जा रही हूँ। एक्टिंग क्लास? तो तुम एक्टिंग कर रही हो? हाँ, अभी तो लगातार काम है। मैंने अभी अभी एक काम खत्म किया है। बहुत अच्छी बात है, तुमने कर दिखाया, तुमने अपना ख्वाब पूरा किया। तुम्हारे जोर में 60 रुपए कम है। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। सुन रही हो मैरी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। हाँ एनरिके, ठीक है, मैंने सुन लिया। कान खोलकर सुन लो, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे घूरो मत। मेरा ख्वाब। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हैरी से कुछ मत कहना। हैरी से? तुम दोनों साथ रहते हो ना, उसने बताया नहीं कि हम दोनों मिलते हैं? अरे हाँ, बताया था। उसे मेरा ये काम करना अच्छा नहीं लगेगा। तुम तो जानते हो वो ऐसे कामों को छोटा समझता है। ये काम छोटा नहीं है, तुम्हारे पास नौकरी है। और हैरी तो वो जैसे रहता है वो एक अलग ही दुनिया है। हाँ ये भी सही है। थैंक्स पीटर, किसी दिन फुर्सत में मिलते हैं। हाँ, किसी दिन एक साथ खाना खाते हैं, या मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आ जाऊंगा कभी कॉफी पीने के लिए। और मैं हैरी को नहीं बताऊंगा। हाँ हैरी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। हैरी को नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही वक्त है इसके लिए। हाय, 5 नए कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखा पीटर, 1 हफ्ते बाद मेरे डैडी मुझसे मिलने आए हैं, आधा वक्त तो फोन पर है। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये समझ नहीं आ रहा, तुम ठीक तो हो ना? लगता है जैसे तुम किसी विज्ञान मेले में हार कर आए हो। नहीं, मैं देर से पहुंचा तो डॉक्टर कॉनर्स ने मुझे निकाल दिया। तुम फिर देर से? मुझे समझ नहीं आता, तुम कहां घूमते रहते हो? यही था। अरे पीटर,
भाई तुम्हें बताओ कि वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वही जिससे हैरी आजकल मिलता रहता है। मुझे उससे कब मिलवाओगे डैडी? हैरी ने कभी जिक्र नहीं किया मुझसे। पीटर तुम अपने लिए एक नौकरी ढूंढ रहे थे ना, डैडी इसकी मदद कर दीजिए ना प्लीज। जी जी नहीं, देखिए मैं अपनी नौकरी खुद ढूंढ लूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे एक आध फोन करने पड़ेंगे बस। जी नहीं शुक्रिया, पर मैं अपने बलबूते पर नौकरी ढूंढना चाहता हूँ सर। शाबाश पीटर, मुझे तुम्हारी ये खुददारी बहुत पसंद आई, बहुत अच्छे। तुम्हें और क्या क्या हुनर है पीटर? मैं सोच रहा हूँ कहीं पर फोटोग्राफर की नौकरी कर लूं। कैसे हो? चलो जल्दी करो, सड़क पर नजर रखो, जल्दी चलो। बस कराओ। क्या बकवास है, ये भी सब बेकार। मैं इन सब के तुम्हें 2000 दूंगा। लेकिन ये तो बहुत कम है। तो जाओ इन्हें कहीं और बेचो। सर आपकी बीवी ने कहा जो टाइल आपने चुनी थी वो नहीं मिल रही। उसे कहो वहां हम कंबल लगा देंगे। बैठ जाओ, मुझे दो। मैं तुम्हें 3000 दूंगा। नए फोटोग्राफर को इतने ही पैसे मिलते हैं। पहला पन्ना फाड़ दो, उसकी जगह ये तस्वीर लगाओ। हेडलाइन क्या है? स्पाइडरमैन हीरो या हमारे समाज के लिए खतरा। खतरा? लेकिन उसने तो खजाने की गाड़ी की हिफाजत की। तुम तस्वीरें खींचो और हेडलाइन मुझे तय करने दो, समझे? ठीक है? जी सर। गुड, बाहर उस लड़की को ये दे दो, वो तुम्हें पैसे दिलवा देगी। मुझे नौकरी चाहिए सर। नौकरी नहीं, तुम यूं ही छुट्टे काम करो, तुम्हारे उम्र के बच्चों के लिए यही सही है। अब जाओ, जाओ उस जोकर के कुछ और तस्वीरें लो, मैं हाथों हाथ खरीद लूंगा। मगर नौकरी की उम्मीद मत रखना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस पर एक तोहफा भेज दूंगा शायद। अब जाओ मेरे लिए और तस्वीरें खींचो, जाओ। हाय। हाय। मिस्टर जेमिसन ने कहा कि ये आपको दे दूं। डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मेरा नाम पीटर पार्कर है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है। आज की तारीख में ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज ने अमरीकी सेना को माल पहुंचाने में क्वेस्ट एरोस्पेस को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। चंद शब्दों में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कीमतें घट गई हैं, मुनाफे बढ़ गए हैं और हमारे शेयर के दाम आसमान को छू रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है नॉर्मन, बहुत अच्छी। यही वजह है कि हम लोग इस कंपनी को बेच रहे हैं। क्या? हाँ, क्वेस्ट एरोस्पेस वाले उस बम दुर्घटना के बाद अपनी कंपनी को एक नया रूप दे रहे हैं। उन्होंने हमें ऐसा ऑफर दिया कि हम इनकार ना कर सके। मुझे क्यों नहीं बताया गया? हम नहीं चाहते थे कि हमारे आपसी झगड़ों से सौदा रफा दफा हो जाए। अगर तुम कंपनी में हो तो यह सौदा नहीं होगा, इसलिए बोर्ड चाहता है कि तुम 30 दिनों के अंदर अंदर इस्तीफा दे दो। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने शुरू की थी यह कंपनी, जानते हो मैंने कितनी कुर्बानियां दी है? देखो मैक्स, समझाओ इन्हें। पूरे बोर्ड की यही राय है, हम विश्व एकता दिवस के जश्न के बाद कंपनी बेचने का ऐलान कर देंगे। मुझे माफ करना। तुम्हें जाना होगा नॉर्मन। मुझे जाना होगा। दिवस जश्न में आपका स्वागत है। अब बेसिक रेक के साथ शुरू है और MJ? Huh?
तुमने वो काली ड्रेस क्यों नहीं पहनी? मैं पापा को खुश करना चाहता था, उन्हें काला रंग पसंद। शायद वो मुझे ऐसे ही पसंद कर लेंगे, मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चल के कुछ खाते हैं। आओ मेरे साथ अंदर चल। ओह कैसे हैं मिस्टर फर्गस? ओह हैरी, क्या आपने मेरे पापा को कहीं देखा? मुझे नहीं लगता कि वो आज यहाँ आएंगे। वो क्या है? लगता है इस साल की नई पेशकश है। अरे वो देखो, वो क्या है? वो हमारा ग्लाइडर है। मेरी वो क्या चीज है? Thank you.
हम कितनी जल्दी पहुंच गए। बुरा मत मानना, हम तुम्हें तंग करने नहीं आए हैं। ए, तुम कौन हो? तुम मुझे जानती हो? जानती हूँ। तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। लाजवाब? क्या मतलब वो लाजवाब है? नहीं अब, अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। नहीं मैं आता हूं ना। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, तुम मुझे कल सुबह फोन करना, हम वहीं एक साथ नाश्ता करेंगे और फिर मुझे तोहफा लेना है तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरा मन है तुम्हें तोहफा देने का। अच्छा बाबा, अब ये लाजवाब कहना बंद करो। ठीक है, आई एम सॉरी, अब तुम अच्छे से आराम करना। वो ठीक है, बस थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई है। हाँ देखो पीटर, मुझे तुम्हें हमारे बारे में बता देना चाहिए था, मैं उसका दीवाना हूं पीटर। वैसे भी तुमने उससे कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। ठीक कहा, मैंने नहीं किया। ठीक है, अब मैं आराम करने जा रहा हूं। मैं कुछ देर के लिए यहीं पर बैठता हूं। वो क्या चीज थी यार? पता नहीं, पर वो जो भी है उसे रोकना बहुत जरूरी है। नॉर्मन, कौन है ऊपर? तुम्हारा दोस्त। ये किसने कहा? नादान बनने की कोशिश मत करो। कहाँ हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सब इत्तेफाक था? तुम हर कदम पर कामयाबी हासिल करते गए, कामयाब होते गए नॉर्मन। क्या चाहते हो तुम? वो कहना जो तुम नहीं कह सकते, वो करना जो तुम नहीं कर सकते, यानी तुम्हारे रास्ते की अड़चनों को हटाना। यानी मेरे साथियों को? सबको तुमने मारा? हमने मारा। हमने? याद है वो हादसा जो लेबोरेटरी में हुआ? मनुष्य की क्षमता बढ़ाने वाला? बिल्कुल, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी रचना। तुम्हें वो दूंगा जो तुम हमेशा से पाना चाहते थे, ताकत जो तुमने अपने ख्यालों में भी नहीं सोची, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ एक ही आदमी हमें रोक सकता है। सोचो वो हमारे साथ मिल गया तो। स्पाइडरमैन और हरा दानव, यानी ग्रीन गॉब्लिन। कैसा लगा नाम ग्रीन गॉब्लिन मैंने रखा है? अब तो सभी सरफिरों के नाम रखने पड़ेंगे। मिस्टर जेम्सन, स्पाइडरमैन जी, रजिस्ट्रार के ऑफिस में फोन करो और इस नाम ग्रीन गॉब्लिन को तुरंत रजिस्टर करवा लो। ग्रीन ड्रैगन कैसा रहेगा? स्पाइडरमैन ने शहर पर हमला नहीं किया, वो तो उसे बचा रहा था। ये सब झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। निंदा बोल कर की जाती है, मैं तो सिर्फ छाप रहा हूँ। परेशानी ये है कि आप किसी पर भरोसा नहीं करते। अपने नाई पर करता हूँ। तुम क्या उसके वकील हो? निकल जाओ यहाँ से। चलो करने दो उसे मुझ पर मुकदमा, अमीर बनेगा इसी बात से तो ये मुल्क। कंदी नाली के कीड़े, कौन है वो फोटोग्राफर जो स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचता है? मुझे नहीं मालूम,
वो मुझे तस्वीरें डाक बोल रहे हो। मुझे नहीं पता वो मुझे स्पाइडरमैन से मिलवा सकता है। मुझे नहीं मालूम वो कौन है। तुम निकम्मे हो। तुम्हें उसे छोड़ो मुझसे बात करो। शैतान का नाम लिया और शैतान हासे। स्पाइडरमैन मैं जानता था ये तुम दोनों की मिली भगत है। मैं बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते समझे। सो जा। जागो, जागो स्पाइडरमैन, जागो। नहीं, तुम मरे नहीं हो। फिलहाल तुम कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। तुम कमाल के जीव हो स्पाइडरमैन। तुम में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुम एक कातिल हो। अब देखो, ये तो अपना अपना नजरिया है। मैंने विलेन का रास्ता चुना और तुमने अच्छे हीरो का। कुछ देर के लिए तुम्हें लोगों ने पसंद किया। तुम्हारे कारनामों ने उन्हें चौंका दिया। पर एक चीज उन्हें हीरो से भी ज्यादा पसंद है, वो है अपने हीरो को नाकाम होकर मरते देखना। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। फिर क्यों उनकी परवाह करना। मैं पीछे नहीं हटूंगा। असलियत बताता हूं, इस शहर में 80 लाख लोग रहते हैं और ये सब छोटे मोटे कमजोर इंसान कुछ चुनिंदा खास लोगों की खिदमत करने और उन्हें कंधों पर उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं। जबकि तुम और मैं, हम खास हैं। मैं तुम्हें इसी वक्त कीड़े की तरह मसल के रख सकता हूं, पर मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मुझसे हाथ मिला लो। सोचो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तबाह कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम नहीं माने तो हम आखिरी दम तक एक दूसरे से टकराते रहेंगे और एक के बाद एक मासूम लोग मरते रहेंगे। क्या तुम यही चाहते हो। इस बारे में सोचना हीरो के बच्चे। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। हे, मैं हूँ मैरी। हाय। कैसी रही तुम्हारी एक्टिंग? तुम्हें कैसे पता चला? पता चल गया, तुम्हारी मम्मी ने मेरी आंटी से कहा और आंटी ने मुझसे। तो तुम यहाँ पे कैसे? हाँ, यूं ही पास में था, सोचा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लूं। वैसे दो बस बदल कर फिर वहाँ से टैक्सी लेकर यहाँ आया हूँ मैरी। तो कैसा रहा? उन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग सीख कराना है। सीरियल वालों ने ऐसा कहा, मान सकते हो? चलो मैं तुम्हें चीज बर्गर खिलाता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 80 रुपए और 75 पैसे हैं। हाँ चलो चीज बर्गर खाते हैं। ओह, मुझे तो हैरी के साथ बाहर जाना है, तुम भी चलो ना। नहीं शुक्रिया, वैसे तुम दोनों में खैर जाने दो, मेरा उस सबसे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, तो फिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे नहीं है। नहीं है? मुझे क्यों होनी चाहिए? पता नहीं, तुम ही बताओ। ये तो मुझे नहीं मालूम। तो तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? मुझे देर हो रही है, चलती हूँ। भाई रुक जाओ,
हम तुम्हें इसी वक्त गिरफ्तार करते हैं। मर गए, ऊपर कोई अब भी फंसा हुआ है। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ पे। मैं वापस नहीं आऊंगा ऑफिसर। जाओ जाओ। कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं। मैं जानता था तुम यहां जरूर आओगे। कोई मुसीबत में हो और तुम ना आओ। क्या सोचा तुमने मेरे ऑफर के बारे में? मेरा साथ दोगे या तुम्हें खत्म करो? खत्म तो तुम्हें होना है गॉब्लिन। तुम पागल हो गए हो। गलत जवाब। ओ अच्छा। मुझे ना कहने की हिम्मत नहीं करता। एमजे ये सूंघना बंद करो। हैरी शांत रहो। वो आ गए। तुम तैयार हो? हाँ। हाँ आंट मैरी, मुझे जरा देर हो गई। आज काम बहुत था ना। मैं आपके लिए केक लाया हूँ। ओह शुक्रिया मिस्टर नॉर्मन, हमें खुशी है कि आप आए। ये कौन है इतनी खूबसूरत लड़की? एमजे इनसे मिलो। ये है मेरे पापा मिस्टर नॉर्मन ऑस्पॉन टेरी। ये है मेरी दोस्त मेरी जेन। मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। जी हाँ मैं भी। ये पीटर पता नहीं कहाँ रह गया। कहकर गया था कि जरूरी काम से जा रहा हूँ। अजीब बात है, मुझे नहीं पता था वो ऊपर है। हाँ? पीटर? पीटर, क्या तुम ऊपर हो? पीटर, अजीब बात है, यहां तो कोई भी नहीं। ये लड़का थोड़ा अजीब है। होनहार लोग ऐसे ही होते हैं। कैसे हैं आप लोग? पीटर, माफ करना मुझे आने में देर हो गई। ये शहर नहीं जंगल है। बड़ी मुश्किल से आपकी दवाइयां मिली आंटी। शुक्रिया। चलिए अब सब लोग बैठ जाइए और अब हम दुआ करेंगे। कैसे हैं आप? अच्छा। ये लजीज खाना। यहाँ रखो। वाकई लजीज लग रहा है। नॉर्मन, तुम दुआ नहीं करोगे? अरे पीटर, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। हाँ आंटी, कुछ नहीं हुआ। ये दरअसल वो जल्दी जल्दी में आ रहा था तो एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया और ये चोट लग गई। जरा दिखाओ तो। अरे बाप रे, ये जख्म तो काफी गहरा है। अरे नहीं आंटी। मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ।
फिर हम लोग दुआ करेंगे। आज हम लोग पहली बार हैरी के घर में एक साथ खाना खाने वाले हैं ना, इसलिए सब लोग अच्छे से दुआ करेंगे। ये जख्म कैसे हुआ बेटा? मैं एक मोटरसाइकिल वाले से टकरा गया था। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। क्यों, किस लिए? अचानक मुझे कुछ याद आ गया है। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया मिसेस पार्कर। आप सब लोग केक का मजा लीजिए। डैडी, डैडी ये क्या कर रहे हैं? मैंने ये सब इसलिए किया कि आप मेरी से मिले और आप जा रहे हैं? मुझे जाना होगा। डैडी, ये लड़की मेरी जिंदगी है। हैरी प्लीज, उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है उसने तुमसे प्रभावित होकर तुमसे दोस्ती की है? क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारी माँ भी खूबसूरत थी, ये सभी खूबसूरत होती हैं, लेकिन हैरी, इनकी नजर तुम्हारे दिल पर नहीं, तुम्हारे पास रखे करोड़ रुपयों पर होती है। आप उसे गलत समझ रहे हैं डैडी। तो तुम मेरी राय जानना चाहते हो अपनी उस दोस्त के बारे में? वो तुम्हारे किसी काम के नहीं, उसे फौरन अपनी जिंदगी से बाहर करो। मेरी इज्जत रखने का शुक्रिया हैरी। तुमने सुन लिया? सबने उस वाहियात की बात सुनी। वो वाहियात मेरे डैडी हैं, समझी? मैं उनके नाखून के बराबर भी हो जाऊं तो खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। जिसकी समझ ना, उसके बारे में बकवास नहीं करनी चाहिए। हैरी, शांत हो जाओ। माफ कीजिए आंटी। स्पाइडरमैन को खत्म करना मुश्किल है, पर पीटर को खत्म करना बहुत आसान है। मैं नहीं कर सकता। धोखेबाजों को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। पीटर को सबक सिखाना होगा। बताओ मैं क्या करूं? उसे जिंदगी के दुख और दर्द का एहसास दिलाओ, उसे तकलीफ पहुंचाओ ताकि वो तड़प कर मरने की इच्छा करे। और फिर तुम उसकी इच्छा पूरी कर देना। पर कैसे? एक शातिर योद्धा कभी भी जिस्म और दिमाग पर वार नहीं करता। तो कहां वार करूं? उसका दिल, बेवकूफ दिल। हम उसके दिल पर वार करेंगे नॉर्मन। ऐ ऊपर वाले, हम पर रहम कर, हमें रोजी दे, हमारे सभी गुनाह माफ कर, हमारे दुश्मनों के सभी गुनाह माफ कर, जो भटक गए हैं उन्हें सही राह दिखा, हमारी हिफाजत। इन्हें सदमा पहुंचा है। बीपी चेक करो। आंटी, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें क्या हुआ? बाहर ले जाओ जल्दी। हाँ, क्या हुआ? हो जाएंगी, लेकिन देखिए आप इस वक्त हुआ क्या? बाहर चले जाइए प्लीज। पीली आंखें, भयानक पीली आंखें। उसने पहचान लिया मुझे। डैडी आप ऊपर हैं? क्या बात है? आपने मेरी के बारे में सही कहा था, आपका हर लफ्ज सही था। वो पीटर को चाहती है। पीटर? हाँ। क्या वो भी उसे चाहता है? वो तो उसे स्कूल के दिनों से चाहता है। वो ना चाहने का ढोंग करता है, पर इस दुनिया में उससे मेरी से ज्यादा कोई अजीज नहीं। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारी तकलीफों में तुम्हारे साथ नहीं था। आप बिजी रहते हैं, आपको वक्त नहीं मिलता, मैं समझ सकता हूं। यह कोई वजह नहीं है। मुझे तुम पर नाज है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर अब मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा हैरी, और जो भी गलतियां हुई हैं मैं उन्हें सुधार दूंगा। स्पाइडरमैन जागो। उठो बेटा, जाओ अब घर जाओ। तुम अजीब लग रहे हो। और आप खूबसूरत। शुक्रिया, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आपके लिए कुछ कर सकता हूँ मैं? इतना कुछ तो कर रहे हो, कॉलेज, नौकरी, फिर मेरी देखभाल, और कितने काम करोगे तुम? आखिर वो मुस्कुराहट आ गई जब से वो लड़की मैरी गई है, तुम्हारे चेहरे की रंगत ही बदल गई है। लेकिन आप तो सो रही थी ना आंटी। जानते हो पीटर, तुम सिर्फ 6 साल के थे जब मैरी हमारे पड़ोस में रहने के लिए आई थी, और जब वो गाड़ी से उतरी और तुमने उसे पहली बार देखा तो पता है तुमने क्या कहा? तुमने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था, आंटी देखो वो परी है क्या? वाकई ऐसा कहा था? हाँ बिल्कुल यही कहा था। लेकिन हैरी उसे बेहद चाहता है, वो उसकी दोस्त है। ये तुम मैरी को तय करने दो। लेकिन वो मुझे ठीक से जानते भी नहीं आंटी। तुम उसे जानने का मौका नहीं देते, तुमने रहस्य का नकाब जो पहन रखा है। एक बात बताओ, क्या मैरी तुम्हें खा जाएगी अगर तुम उसे ये बता दोगे कि तुम उसे चाहते हो? जबकि ये बात सब लोग जानते हैं। मैं भी आया। पीटर। मैरी फोन उठाओ। हाय मैरी, मैं मैरी, मैं पीटर हूँ। कहाँ हो? हेलो, मैंने बस तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया, घर आते ही मुझे फोन करना ठीक है? और सुनो, तुम अकेली किसी भी अंधेरे इलाके में नहीं जाना। हेलो। स्पाइडरमैन, चलो आज एक खेल खेला जाए। वो कहाँ है? स्पाइडरमैन, सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ ही हीरो बनते हैं। आज देखें तुम कितने बड़े हीरो हो, क्योंकि तुम्हें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना है। बोलो, अपने प्यार की कुर्बानी दोगे या फिर इन मासूम बच्चों की? जल्दी चुनाव करो स्पाइडरमैन, और फिर देखना लोग अपने हीरो को क्या इनाम देते हैं। ऐसा मत करना गोब्लिन, मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। कोशिश कर रहा है।
नाक को भी छुआ तो हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। सिर्फ दुख यही चुना है तुमने। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन तुमने पलटकर मेरे मुंह पर थूक दिया। चुके हो स्पाइडरमैन, अगर तुम इतने खुदगर्ज नहीं बनते तो तुम्हारी वो खूबसूरत दोस्त बड़ी आसान मौत मर जाती। पर अब तुमने मुझे वाकई गुस्सा दिला दिया है तो अब मैं उसे आहिस्ते से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैरी जेन की मौत का जश्न देखना तुम आप स्पाइडरमैन। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान लिया। आपने जश्न के दिन लोगों को मारा। वो सब गॉब्लिन ने किया, मेरा उससे कोई लेने देना नहीं था। उसे दोबारा मुझ पर हावी मत होने देना। मैं पांव पड़ता हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। आंटी और मैरी, आपने उन दोनों को मारने की कोशिश की। पर तुम्हें तो नहीं, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाया। मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता था। मैं पहले से जानता था कि अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम पीटर पार्कर मुझे बचा लोगे और तुमने मुझे बचा लिया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र। मुझे अपना हाथ दो, मुझ पर यकीन करो जैसा कि मैंने तुम पर किया। मैंने तुम्हें पिता का प्यार दिया है, अब तुम बेटे का फर्ज अदा करो। मेरे पिता हैं, उनका नाम है बेन पार्कर। तो फिर मरो स्पाइडरमैन। पीटर, हैरी से ना कहना। Thank you.
ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? मुझे बेहद अफसोस है। मैं जानता हूं पिता के खोने का दर्द क्या होता है। मैंने उन्हें खोया नहीं, उन्हें मुझसे छीना गया है। एक दिन स्पाइडरमैन पछताएगा, उसे मेरे पिता की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्र है तुम साथ हो पीटर, आप सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना करूं, जो मेरे अपने हैं उन्हें हमेशा कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।